नहीं करते, हम अपनी हिफाजत यहाँ खुद करते हैं, क्योंकि कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं करते। दो नाक तालियां आपकी अबू हाजी मासूमी साहब के हौसलों को बुलंद करेगी, एक शोर बच्चा हो जाना चाहिए अबू हाजी मासूमी साहब की आमद पर। ये प्रोग्राम शहरी बाजा कमेटी की जानिब से बुला है। इस प्रोग्राम में को मुनाकिद करने वाले मोहम्मद यूसुफ इलियास साहब, इसकी सदारत करने वाले एडवोकेट अब्दुल अजीम खान साहब, डॉक्टर अरशद साहब, अकबर शेर अशरफी साहब, जावेद अनवर साहब, सूफी नूरैन साहब, सूफी अनीस साहब, मोहम्मद आरिफ नूरी साहब, मौलाना सराज कासमी साहब, सूफी रमजान साहब, डॉक्टर इखलाक साहब, कारपोरेटर तनवीर अब्दुल्फिकार साहब, माजिद शिकारी साहब, रियाज अतरवाला साहब, सभी उलमाए कराम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम के मेरे साथ मुंबई से चलकर बहुत बड़े बिजनेसमैन जो शायद हमारे गांव से तजुर्ब रखते हैं, फरीद नूरी साहब, राशिद भाई, तंजीम साहब, इरफान खान साहब, शाहिद साहब, फरुख साहब, गुरराव साहब, आदिल खान साहब, हसीब साहब, नसीम कुरैशी साहब और यहाँ मौजूद तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और दोस्तों, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलना। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, मैं माले गांव से बहुत मुद्दा चलता हूं क्योंकि मेरे अपने ही लोग हैं। 1857 के गदर में जब मुसलमानों को मारा जा रहा था, जब मुसलमान सड़कों पर उतर करके अंग्रेजों से लड़ रहा था, तो 1857 की गदर में आजमगढ़ से, मऊ से, मुबारकपुर से निकल के आए हुए लोग हैं जो उसी खानदान के हैं, ज्यादा तकलीफ हैं। चाहे मालेगांव हो, चाहे नागपुर हो, चाहे कामकी हो, चाहे भिवंडी हो, लाखों लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ उछला किया था। ये वही लोग हैं। सच कहूं मुझको ये इंसान, ये अनुमान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको ये अनुमान बुरा लगता है और हाथ फैलाए मुसलमान। दोस्तों, मैं ताजी था, मैं कई बार कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि मेरे खानदान में किसी ने आज तक सियासत नहीं किया था। मैंने अपनी आंखों से जुल्म जाती देखा, मैंने अपनी बहु बेटियों को नंगा करके उनके साथ को बर्फ की सीली पर सुलाकर मारते हुए देखा, मैंने बेटी को नंगा करके बाप से खा गए इसको रेप करो, मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे जेल नहीं दिया गया। मैं चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, मेरे पास बहुत पैसे थे, मेरे बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे को लेकर गांव चला जाऊंगा, सब प्रॉपर्टी बेच दूंगा, मेरे बेटे को छोड़ दो। एक साल 10-15 दिन तक मैं जेल में पड़ा रहा और मैंने अपनी आंखों से देखा जुल्म जाती। खुदा की कसम, उसी दिन जेल में मैंने तय किया था, अब वासी कुत्ता भी अपने बच्चे पालता है, अगर तू इंसान है तो बची हुई जिंदगी कौन के नाम। मैं मंत्री बन सकता हूं लेकिन मैं कलवे चाटने वाला मंत्री नहीं बनता। मैं चोर बाजार की लाल बत्ती वाला मंत्री नहीं बनूंगा। मैं आंखों में आंखें डालकर वजीर आला से बात करने वाला मंत्री बनूंगा। याद है दोस्तों, मैं बाबू की क्या बात करूं, मैं गरीबी की क्या बात करूं, एम्प्लॉयमेंट की क्या बात करूं, मेरी कौम के साथ जो आज हो रहा है कैसे बर्दाश्त किया जाए। भैया,
मैं इस मुल्क में 20 साल तक और एक वक्त आऊं एक वक्त उठाना। मेरे बच्चे बीएमए पढ़ने के बाद सड़क पर खोचा लगाकर पेट पालेंगे, लेकिन इस मुल्क में अगर शरीयत के खिलाफ कुछ होगा तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। बत्तीस लोग शहीद हुए और कई सब छोटे छोटे बच्चों के गोश्त की दूसरे हवा में गए थे। शबे बारात के दिन जिन अल्लाह ताला कहता है मैं आज पहले आसमान पर आकर मांगो मुझसे क्या मांगना है, लोग मांगने गए थे अपने पुत्रों का, वहां जाकर थे फातिहा पढ़ने के लिए। 32 लाशें पड़ी थी इस मालेगांव में। मुंबई में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, मरने वाला तो 6-6 लाख दिया गया था, मेरी कौम को 1 लाख दिया गया। मुंबई में ट्रेन में मरने वाले के सबके परिवार को सरकारी नौकरी दी गई थी, लेकिन माने गांव में शहीद होकर फैमिली को किसी को नौकरी नहीं दी गई। दी नौकरी किसी को दी गई? मैं करा उठा, मैंने नेताजी से बात किया, मनायक सिंह से बात किया, नेताजी मेरी कौम बहुत परेशान है, आप चलिए मालेगांव। जैसे मैंने मालेगांव का प्रोग्राम अनाउंस किया, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे विलासराव देशमुख, उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह जी को फोन किया कि बताना मालेगांव ये आदिवासी प्रवृत्ति का नाटक कर रहा है। मुलायम सिंह बोले मैं जाऊंगा, अगर आदिवासी ने कहा तो मैं जरूर जाऊंगा। शायद यही होता, पहले यही हाथ मगर उसको जाने लगे हुए थे, पुराना हाथ था। पूरे माने गांव में पुलिस पूरा चारों तरफ बंद कर दिया हमको एक साथ भी आने के लिए। मेरा नेता मुलायम सिंह यादव की तारीफ नहीं करता, मुलायम सिंह यादव मुसलमान भी हिंदू है। एक आदिवासी के कहने पर चीफ मिनिस्टर के मना करने के बाद भी मुलायम सिंह यादव मेरे साथ आए और मैंने मेरे हाथों से पैसा नहीं बांटा। मैंने यहाँ की जमीन तोड़मा जमात इस्लामी जितने लोगों से सबको बुलाया आपके हाथों से, मैंने मुलायम सिंह यादव से कहने 50 लाख रुपया लोगों को दिया कि उनको पैसे नहीं मिले। मैं कोई एहसान नहीं मानता जना रहा हूं आपको, मेरा फर्ज था। अगर सरकार नहीं दे रही तो हमने आगे कोशिश किया, मगर यहां कुछ लगवाने वाले क्या था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कहा कि बहुत पैसा है तो वही बांट देते, यहां नहीं कर सकता। ये भी मैंने अपने कानों से सुना, आप नहीं दे रहे मैं दे रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है। इसके बाद ब्लास्ट हुआ, मैं सरकार से पूछूंगा, 32 लोग शहीद हुए, कई सैकड़ों बच्चे की बच्चों के बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए, किसने ब्लास्ट किया, कौन है वो? सब मुसलमान गिरफ्तार हो गए ना यूसुफ भाई, सारे मुसलमान गिरफ्तार हो गए। मस्जिद में ब्लास्ट, शबे बारात के दिन ब्लास्ट, और गिरफ्तारी मुसलमानों की, वाह हुकूमत का वाह। जो पकड़े गए सब कितने साल जेल में पड़े रहे, वो तो क्या हो गया कैसे छूटे मालूम है आपको? वो एक बंगाली का जो आरएसएस का क्या नाम था उसका देखिए, असीमानंद की जेल में जिस बैरिक में बनता उसी बैरिक में एक महमूद नाम का लड़का हैदराबाद का, और असीमानंद को मालूम था कि ब्लास्ट किसने किया, और वो लड़का जो था महमूद उसने नहीं देखा। वो मुस्लिम तालीमात के मुताबिक इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक बुजुर्ग जेल में है, उसके कपड़े धुलता था, उसको खाना पीना मिलता था, कि सही बात भी है मुझे इस्लाम में सिखा जाए कि बुजुर्गों की इज्जत करो। वो असीमानंद जो मुसलमानों का दुश्मन जो आरएसएस का जो बम ब्लास्ट में बनता, मैंने खुदा की कसम किताब में पढ़ा, न्यूज में आज मिल सकता हूं कि सूरत के पास एक नदी के पास ये लोग एक मीटिंग कर रहे थे बम ब्लास्ट करने की, और इनके आरएसएस के चीफ क्या नाम है चीफ का, मोहन भागवत को वहां बुलाया गया और सिमानंद ने कहा मुझे प्लानिंग कर रहे थे, उसमें लिखा था किताब में, मोहन भागवत ने कहा कि तुम जो कर रहे थे मैं इसकी बधाई देता हूं लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं आऊंगा। कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं,
भाई मोहन भागवत को जब इसने असीम आनंद की बहुत इज्जत किया तो उसका जो इंसान था वो जाम था। उसने कहा मैं कोर्ट में जाऊंगा इस बच्चे के बारे में। उसने जाकर कहा ये जो लड़के पकड़े गए हैं ये असलुद्दीन नहीं, इन्होंने नहीं किया बल्कि फलाने फलाने ने किया। उसने नाम भी दे दिया। मुझे याद है मुंबई में अपने चौहान साहब की सरकार थी, चीफ मिनिस्टर थे, और दिल्ली में होम मिनिस्टर थे चिदंबरम शिवराज पाटिल, नहीं नहीं पी चिदंबरम थे, पी चिदंबरम थे। मुझे याद है तो मुझसे कहा गया कि साहब ये स्टेटमेंट क्या आया है, और आरएसएस ने कोशिश की लेकिन वो स्टेटमेंट जो था ना मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया। इसके बाद आपने कभी इसके पहले एनआईए सुना था? नहीं सुना था आपने? एनआईए की नहीं, सीबीआई की, पुलिस की, सब था। और एनआईए का गठन हुआ, एनआईए ने कहा हाँ जो जो उसने कहा है ना वो बिल्कुल सच्ची बात है, और सब मालेगांव के बच्चे। हेमंत गडकरी साहब, मैं दिल्ली से आ रहा था हवाई जहाज में, जब हेमंत गडकरी साहब ने पकड़ा साथी कृपया सिंह ठाकुर पुरोहित वगैरह को, तो ये चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, गुजरात से चिल्ला उठे, अडवाणी दिल्ली से चिल्ला उठे, बाला साहब ठाकरे मुंबई से चिल्ला उठे, ऐसे के साथ मैंने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मनमोहन सिंह ने हेमंत गडकरी को दिल्ली बुलाया, कहा कि तुम जाओ अडवाणी साहब को बताओ तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, मेरी कौम के लोग 32 मर गए और मुसलमान थे, और मुसलमान को गिरफ्तार किया, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ये कहे कि तुम बताओ इनको कैसे गिरफ्तार किया। जिन्होंने जान देकर मैं कभी की आबरू बल्कि वही अब खतरे खतरे के लिए पैसा किया। फिर क्या हुआ, ये गिरफ्तार हुए, एटीएस केस देख रही थी प्रज्ञा से ठाकुर पुरोहित पांडे का, और एटीएस ने सारे गवाहों को 35 गवाहों को मजिस्ट्रेट के सामने 164 का वकील बयान दिला दिया। बीच में एनआईए आ गई, एनआईए ने वही गवाहों को खड़ा कर दिया। गवाहों ने कहा कि हमें बंदूक की नोक पर बयान दिलाया गया है। इसके सामने मजिस्ट्रेट सामने किसने दिलाया? बॉम्बे पुलिस, तो छोड़ने की तैयारी है। आपने देखा गुजरात की वो लेडी ब्रिटिश बानो, मैं गुजरात गया था, नंगी उसके घर में सबको मार दिया, नंगी औरत ने रेप किया, नंगी भाग रही थी बेचारी, जिसने लहना दिया लहना पहन के देखी, और वहां गुजरात की कोर्ट में फैसला सही नहीं होगा, महाराष्ट्र की कोर्ट में पंगा चलाओ। चीफ मिनिस्टर साहब तुमको चुल्लू भर पानी पे डूब पड़ना चाहिए कि तुम्हारी सरकार में फैसला नहीं होगा। सजा हो गई, उनको छोड़ दिया गया, ये बहुत अच्छे परिवार के, उनको फूलों का हाथ पहनाया गया। देख रहे हैं देश में हम संविधान को मानते हैं, ये संविधान के कसम खाने वाले रेपिस को छोड़ते हैं, और रोजाना मुसलमानों के साथ सुन जाते हैं। मत बने तो शैतान से पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने पढ़ा है कि जब हिंदुस्तान का डिवीजन हुआ उसके पहले हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सब एक साथ थे, लेकिन जैसे आजाद हो गया देश, अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को बांट दिया और पाकिस्तान बना दिया और हिंदुस्तान बना दिया, हमारी जो भाईचारे थी खत्म कर दिया, जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो हिंदुस्तान आ रहे थे, हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मुसलमानों तुम्हारे लिए एक अलग मुल्क बना दिया, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद की मीनार की एक सीढ़ियों से जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था वो आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है। बच्चा मुसलमानों इस मुल्क को छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हारे मस्जिदें वीरान हो जाएगी, तुम्हारे कब्रिस्तान में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, तुम्हें याद नहीं इसी गंगा में तुमने वजू के लिए नमाज पढ़ा है, मत जाना तुमको मीनारा, तुमको जाना मस्जिद का मीनारा आवाज दे रहा है, मत जाना इस मुल्क को छोड़कर, इस मुल्क को तुमको हिसाब कौन सा इंसान, ये इंसाफ मिल रहा है कौन सी इंसान तुम आपको मैं मुंबई के शानपाड़ा में 10 राज्य मुसलमान
गवर्नमेंट से जगह मांगा, गवर्नमेंट जगह दे भी दिया। और ये शिवसेना के मुझे कभी ताली वाले कह रहे मैं माफ कीजिएगा, कहा कि मैं शिवसेना का अध्यक्ष होने वक्त हुआ, जो लोग मेरे कौन को कत्ल करने के मंसूबे बनाते हैं तुम दाढ़ी रख के उसको सपोर्ट करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? देते हैं मैं उसको जगह नहीं होगा क्योंकि सरकार ने दे दिया उसको, जब वो नापने गए तो शिवसेना ने आके वहां एहतियात कर दिया, फिर वो लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि इनको जगह दो, फिर वो गए वापस, फिर क्या पांच बार मुसलमान गया कोर्ट में, पांच बार हाई कोर्ट में, कितनी बार? पांच बार पैसे जमा करने के बाद मुझे चीफ मिनिस्टर कह दिया अबू आसिम कुछ भी कर लो वहां मस्जिद नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि वहां के मकामी शिवसेनिक लीडर आरएसएस के लोग उस मस्जिद को वहां पसंद नहीं करते। और हमारी हालत नहीं मुल्क में, यह हालत जिसमें आता खुना वाला नाम का एक लड़का, एक आदमी ने लिविंग रिलेशन आरामपुरी बड़ी लिविंग रिलेशन, एक लड़का और लड़की बिना शादी के एक जगह में साथ में, इसको कहते हैं लिविंग रिलेशन, बड़ी लिविंग रिलेशन, एक लड़का लड़की के साथ में शादी कर ले इसको कहते हैं आजादी, यहां इंसाफ नहीं तो अल्लाह ताला के तरफ इंसाफ होगा, जमीन खिंच जाएगी। खुदा की खुदाबंदी में अगर तुमने इंटरफेरेंस किया तो याद रखना आज नहीं तो कल इसका भुगतना पड़ेगा। जैसे आस्था का नाम सुने ना बहुत खुश हो गए, मुसलमान मुसलमान ने लड़की को काटा, अरे सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली पूरे महाराष्ट्र में गेरुआ कपड़ा बांध के झंडे लेकर चल रहे हैं, और कहां बजाकर मस्जिदों के बाहर आकर नगर बजाकर मुस्लिम कहता है भाई साहब मुझे अजान हो रही है प्लीज क्या बनान बंद कर दो, क्यों जा रहे हो अजान? लड़के गुस्से में आ गए तो मारा और कुरान शरीफ क्या भी जला दिया, प्रसाद कर दिया और मस्जिदों के गुंबद पर छंदे लगा दिए गिरुआ कर दिए, कहता चुप रहूंगा एक जान है चाहे कोई ले ले, लेकिन अबू आसिम की जबान को माइक का लाभ दे रहा है बच्चा, पुलिस वाले बोले थे इसे क्या बोले थे अबू आसिम, मुझे इतनी ताकत दे दो ना कि पुलिस वाले मुझे ऐसे सलाम करें, अगर इनको अभी फोन करेगा तो शिवसेना का लीडर ना मिनिस्टर ना ये बैठे नहीं रहे खड़े होकर होगा यस सर यस सर यस सर यस सर करेंगे, अब वासिम को भी तुमको यस सर यस सर करना पड़ेगा। आज मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून ने कहा है कि आसमान की ऊंचाई पर कोई बैठा हो अबू आसिम तुम उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर सब बात बोल सकते हो, कोई माइक अलार्म मुझे रोक नहीं सकता। हम तो रुके थे यहाँ कि हमको मारा तो जनाब आजाद साहब ने कहा है तुमको यहाँ पर तुम्हारा इंसाफ मिलेगा, हमको इंसाफ नहीं मिल रहा और हम एहतियात भी नहीं कर रहे, क्या होगा देश के अंदर? शकल हिंदू समाज मैंने कहा चीफ मिनिस्टर से बुलाओ लोगों को, मुझे बुलाओ मैं अपनी इनको सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली किसके खिलाफ है मुझे बताओ, ये आक्रोश किसके खिलाफ है? ये देखे मुसलमान बेटा क्या किया हमने, अरे आफ्ताब पूना वाला तो पास ही निकला, खुदा पार निकली थी यार, और उसके बाद कई हिंदू समाज के लोगों ने, एक ने मेरठ में एक उसने अपने आशिक को या शौहर को काट के बैग में रख के ले जा रही थी और मेरठ में स्टेशन पर पकड़ी गई, आपने सुना नहीं? नहीं क्योंकि वो मुसलमान नहीं थी, अरे ढाबे पे मार दिया उठा के और फ्रिज में रख दिया, आपने सुना नहीं? मुसलमान होगा तो मुसलमान नहीं है आफ्ताब नाम है तो चिल्लाएंगे, सरकार कुछ नहीं बोल रही है, रोजाना मुसलमानों को कहते हैं कि 20,000 मुसलमानों को मार देना चाहिए, भगवान हमारे सामने तुम दबाकर भाग गया, तुम कौन सी खेत की बोली हो मुसलमानों को मार देना, 20,000 मुसलमानों को मार देना चाहिए, और कहती है कि घर में चाकू छुरी रखो सब्जी काटने वाला, तुम्हारी बेटियां महफूज नहीं रहेंगी,
मैंने रोजाना ये नीतीश नीतीश यहाँ आया था सर, बेचारा बड़ा परेशान है, बहुत परेशान है। तो चक्कर है, पहले लोग थे कांग्रेस में, कांग्रेस से भागे, नहीं पहले शिवसेना में थे, वहां से खदेड़े गए, तो शिवसेना का अब फिर आए कांग्रेस में, कांग्रेस से खदेड़े गए, तो फिर गए बीजेपी में, बीजेपी कोई पूछ नहीं रही थी, तो वहां खड़े थे, अब सोचते हैं कहीं मुझे मंत्री पद मिल जाए। ये लोग जो है, अभी मैं उस दिन देख रहा था कि लव जिहाद के नाम पर जो इतना चिल्लाया जा रहा है, भाई मेरे पास लिस्ट है पूरी जो लव जिहाद की बातें कर रहे हैं, कितनी मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी किया है, वो कौन सा जिहाद है? अगर एक हिंदू लड़की से मुसलमान ने शादी कर दिया तो आप बहुत चिल्ला रहे हो लव जिहाद लव जिहाद। मैंने कहा हाउस के अंदर जिहाद एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लफ्ज है, बहुत ही मुअज्जज लफ्ज है, जिहाद को आपने जहां इस्तेमाल किया है ना, या तो आप जाहिर हैं, नहीं तो मैं आपको कई हजार किताबें देता हूं जिहाद के ऊपर, जिहाद किसको कहते हैं। तो मेरे पास लिस्ट है, एक लड़की है उसका नाम है शर्मीन, उसने शादी की है मनोज से, हिंदू है। एक शाजीन है, उसने शादी की है एक हिंदू से। एक रूबीना है, उसने शादी की है अवस्थी से। एक रूबी है, उसने राजू से शादी की हिंदू से। एक अफसाना है, उसने अभिषेक से शादी किया, और शादी कहाँ हुई? मंदिर में हुई, और वहां एमएलए के आप बधाई देते हैं, वही तो बोल रहा है तो लड़की मुस्लिम थी ना, तो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लड़की से शादी करेंगे, भाषण कर रहा है एक चौहान है, उसके बाद कितने केस है 1800, 1800 FIR है, उसके बाद भी रोज आना वो पूरे घूम घूम के जो चाहो बोलता है, और कहता है कि हिंदुओं से मुसलमानों शादी करो, तुमको बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे, तलाक नहीं होगा, और तुमको जो है बहुत इज्जत से रखा जाएगा, और तुम आओगे तो तुमको दो दो तीन तीन लाख रुपया दिया जाएगा। ये हो रहा है, मैं आज आपसे मिलने इसलिए आया हूँ दोस्तों, पानी सर से ऊंचा हो चुका है, इस मुल्क को हमने आजाद करवाया, हमारा खून पानी हो गया है, मानते हो? मानते हमारा खून पानी हो गया है। मैं लड़ने की बात नहीं करवा, मैंने 50 बार खुदा की कसम, मैंने मुसलमानों से पूछा कि मुसलमानों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो? सब कहते मैं मानता हूं। उनके लिए जान दे सकते हो? आप सब पूछता हूं, मानते हो नहीं मानते हो? उनके लिए जान दे सकते हो? सही बोलो, उनके कहे हुए मानोगे? उन्होंने कहा है, मैंने कई बार कि मुसलमानों, तुमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, वो किसी मजहब का भी हो, खासतौर से गैर मुस्लिम हो, तो अल्लाह ने तुमको पेट भर खाना दिया है और तुमने उसका ख्याल नहीं किया, तो तुम मुसलमान नहीं हो। ये तो कहा है ना, मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि अपने हिंदू भाइयों से कह दो, मालिका वाले तुम भी जाकर अपने हिंदू भाइयों से कह दो कि अगर तुझे रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो किसी हिंदू को मत बुलाना, मुझे बुलाना, मैं किसी के बाप से डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं डरता हूं तो अल्लाह से डरता हूं, और इस दुनिया में किसी की मेहरबानी पर नहीं रहता हूं। ये कौन गाजर बोली हमकी की मेहरबानी तो अल्लाह की, मैं इस मुल्क में अल्लाह की मेहरबानी पर रहता हूं और डरता हूं अल्लाह से। उन्होंने कहा, मुझे कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने पड़ोसी का ख्याल करो, हमारे गांव वालों आज से घटना करना, अपने हिंदू भाई से कहना कि मैं अगर तुमको रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाऊंगा, इसलिए मुझे हुजूर का फरमान है। ये नहीं कहीं दिखाएंगे, ये कहीं बताएंगे नहीं, हमारे पहले मैंने तुम यहां देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, सुनो। और क्या कहते हैं हमारे ये फडणवीस साहब कि अबू हाशिम साहब, दुनिया में कोई भी मजहब ऐसा नहीं जो मां के आगे सब झुकाने को मना करे। मैं तू जाहिर है, मेरा मजहब है, मेरा मजहब कहता है
चांद सूरज जमीन आसमान जिसने बनाया ना, उसी के आगे सर झुकाना और किसी के आगे सर मत झुकाना। मैंने कहा चलो चलते हैं मिलकर सरहदों पर जान देते हैं, चलो चलते हैं मिलकर सरहदों पर जान देते हैं। पढ़ने के साथ बहुत आसान है, बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। रोजाना मुसलमानों के खिलाफ, रोजाना मुसलमानों के खिलाफ, इसलिए मैं आज चल रहा है हमारे काम। मैंने बम्बे पकड़ा, मैं पहले ऐसा लड़ता नहीं था, मैंने बोला लोगों को आगे बढ़ाऊंगा, मैं कारोबार करूंगा और मैं जो है पार्टी मजबूत करके अपनी आवाज को बुलंद करूंगा। लेकिन मेरे साथी हिचड़े निकले, हिचड़े। मैंने तो ये दिल का जला हुआ हूं, अब वो आसम जिंदाबाद, सारा तीन दिन के बाद उनका शरद हुआ जिंदाबाद। मेरा बेटा था शरद हुआ तो कब बन गया, जिसको राजस्थान माता मुझे मर्द चाहिए, मर्द मर्द चाहिए मुझे, ना पूछा नहीं चाहिए। तुम्हारा भाई जितने मंत्री बने ना उनके बहुत पहले बन गया होता, लेकिन मुझे आपके दिलों पर राज करना। हमारे गांव वाले तुम्हारा भाई अब्बासी तुम्हारा खातिब है, दो एमएलए तुम्हारे मुंबई में, दोनों मर्द हैं, जब भी जरूरत पड़े आवाज देना आजमगढ़ में। तुम्हारा कोई भी काम सरकारी है, बस मैंने सूचना करा सकती है, सूचना करा सकती कांग्रेस करा सकती, उससे बहुत ज्यादा मैं करा सकता हूं। मुझे कोई फूलों की जरूरत नहीं, मेरा कोई इस्तीफा की जरूरत नहीं, मुझे कांटों के रास्ते पर चलने दो, लेकिन मेरे पीछे खड़े हो जाओ। अगर राजनीति में सर नहीं गिरा जाता ना तो अल्लाह की कसम को बुलाता नहीं बुलाता, तो मैं खुद कर लेता, क्योंकि राजनीति में सर नहीं आता। मैं अकेला कितना बहादुर बन जाऊं, लेकिन मेरी गिनती कितनी है असेंबली के अंदर, वो जरूरी है, इसलिए आता हूं मैं मुंबई में। मुझे कांग्रेस वाले कहते थे बहुत भाषण करते हो, इलेक्शन लड़के दिखाओ, बोला बेटा लड़ूंगा इंशाअल्लाह, दो सीट से लड़ा मैं और दोनों से चुनकर आ गया। कांग्रेस के तीन नेता सात साल आईसीयू में चले गए, आकर महाराष्ट्र में कोई सारा दो सीट पर चुन के नहीं आया, या दो सीट पर कैसे चुन करा। मैंने ढूंढी छोड़ा था, ढूंढी मेरी जान थी, मैंने एक लगा था रईस नामेश का, वो नेता नहीं था, उसको बॉर्डर के विषय नहीं मालूम थी। तो मेरे पास आया कासिम भाई, मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कमूट कमूटी के अंदर। मैंने कहा मैं तेरे कर दूंगी, तू छोड़ दे तू मेरे मंत्र, मैं तेरे दूंगी। रईस पढ़ा लिखा है, अच्छा लगा लगता है, आज तो काम कर रहे। अरे नहीं मैं कहा चुनके आऊंगा, मैं आएगा चुनके, मेरे पास ऐसी जगह है, ऐसे लोग हैं जिसको कहूंगा उसको देंगे। लाया मैंने बॉन्डी ले गया, बिना जाने रईस को बॉन्डी जिता दिया। आप तो चल भिवंडी, गोंडी हो गया भिवंडी, भिवंडी हो गया तेरे सही हो गया तेरा, अब मुझे मालेगांव पकड़ना है। तेरा मतलब है, और कसम अल्लाह की पैसे के लिए नहीं है, इज्जत के लिए नहीं है, कौम को इज्जत दिलाने के लिए। अगर इतने मालेगांव के लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं और मुझे एक एमएलए मर्द मिल ले दे दें, तो इंशाल्लाह मालेगांव की हैसियत मैं बदल दूंगा, मालेगांव की चमका दूंगा, ये मेरा वादा है। इतना फंड आएगा ना मेरे एमएलए को पूरा लगाना पड़ेगा, हराम थोड़ी नहीं करने दूंगा। हमने बोला कि सारी बिजली कंपनी से पैसा ले बिजली कंपनी पैसा में मालेगांव के लोगों के साथ जिन्हें तुमको बनाया, सुन रहा हूं मैं, हाँ आस्ते में सा। इसलिए दोस्तों मैंने इन पर नजर थी मेरी, किसी ने बोला बहुत बड़े आदमी यार बहुत पैसा इनके पास, पैसा मैंने देख लिया आपसे आपका साथ अल्लाह पक्का गुनाह है।
गुनाह दिखा के ना, तो अब ये सोच के बोलना कि गुनाह नहीं करूंगा। माले गांव में जब इनको सदर बनाऊंगा तो समाजवादी के साथ होंगे। मैं बोला लेके चलो, अगर पड़ गया तो जिंदो मैंने तो वापस लेके आना। और यात्रा में क्या जावे नंबर उसको महाराष्ट्र का जीवन सेक्रेटरी बनाऊंगा। भाई ले लो आप प्लीज का एक्सेप्ट कीजिए। और सरकार